पंजाब द किंग मोंटी सिंह सारे दर्शकों बॉलीवुड दे बोलता हैप्पी न्यू ईयर तो कैट वेखो नहीं वेखोगे तो बॉला दबदा आप बाकी होम बॉलीवुड के सारे देखने वाले लाडी वालों बहुत सारा प्यार लाडी ने इदा प्यार करते रहो लव यू आप जी कि बोले से आँगे हो कि हम दोनों की साइड से एक तो खुशखबरी ये है हम दोनों के लिए भी और we're expecting. तो हमारा सीन था ये आते हैं तो ये थोड़ा जॉली नेचर का बंदा आके बात करता कि हो गया मोंटी ही टेल मेरा क्या है कि अपने टोनालिटी में ऐसे बैठा हूँ रणदीप को तरफ देख रहा हूँ आगोड़ा पेंडू एक एरोगेंस है मेरे उसमें मेरे पेरेंट्स तो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं वो तो कम ही देखते हैं ये सब चीज़ें और फैमिली में बैठ के देखी भी नहीं होगी उन्होंने इनका जो है ना वो एक नेचर अलग है ये एक दिल से एक बंदा है कैसा है हार्डकोर दिख रहा है अंदर से वो मतलब पूरी उनकी प्रोफाइल और जो एक ऑरा है वो ऐसा बिल्ट है ऐसा बट जब बात करोगे आप सीन देखो एक तो इससे पहले बॉलीवुड में पंजाब को और पंजाबी को और पंजाबीत को इतनी ऑनेस्टी के साथ इतना रियल नहीं दिखाया गया ऑन माय संडे नो हैड दिस रिचुअल कि जब भी मैं लो फील करता था बॉम्बे में आई यूज टू गो टू मन्नत रात को सरसों के खेत वाला शाहरुख का फ़ैन बाद में बना उससे पहले मैं उसका फ़ैन डर बाजीगर अंजाम वो था वो थे रियल शाहरुख जिन्होंने हिला दिया था जब वो आई इंडस्ट्री में कि किसी इंसान का उस दौर में जब सनी देओल पाजी अक्षय कुमार एंड सुनील शेट्टी इनका टाइम चल रहा था और गुड लुकिंग लोग मतलब ये माचो वगैरह उसमें एक ये बंदा आता है जो हिला देता है एक डिफरेंट अपना जॉनर क्रिएट करता है सो मैं उस चीज़ से आई वॉज वॉचिंग दैट फिर आए ऑफकोर्स DDLJ वाला जोन और मैंने खुद भी करा है पंजाब में जाके मैं पंजाब में रहता हूँ लुधियाना में भी घर है हमारा तो आई टुक हर फॉर हर बर्थडे एक दिन तो मैं कहा मम्मी आओ आप सिमरन मैं राज पापा फोटो खींच रहे थे रिस्पॉन्सेज आप ये समझ लीजिए कि लोग हमारा रियल नेम भूल गए हैं तो 6-7 दिन से ऐसा लग रहा है कि हम एक वैसा होता ना एक नए नाम से नई आइडेंटिटी से जी रहे हैं तो सब लोग करेक्टर नाम से बुला रहे हैं और ग्लोबली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सिर्फ इंडिया से नहीं पाकिस्तान US कनाडा UK एवरीवेयर तो वो बहुत अच्छा है यार ओवरवेलमिंग है तो इतना सोचा नहीं था तो बहुत तो अभी ग्रेटफुल है हम अभी उसी स्पेस में जी रहे हैं कि भाई थैंक यू हाँ नहीं मैं सेम मैं तो इनफैक्ट कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो एम्स्टरडैम से न्यूजीलैंड से वहाँ से मैसेज कर रहे हैं कॉल कर रहे हैं जिनको मैं 5-6 साल पहले मिला था तो वो एक हाय है अपना कि यार आपको लगता था कि आपने सीरीज़ करी है इंडिया से कॉल्स आएंगे पंजाब से कॉल्स आएंगे फॉर ज़्यादा बट इंटरनेशनली आ रहे हैं और मैं वो चार्ट ही देखता जा रहा हूँ सो आई फ्रेंड्स इन UK तो मैंने उनको भेजा कि यार UK में बताओ कहाँ चल रहा है नेटफ्लिक्स पे जैसे कनाडा पे नंबर 6 पे चल रहा है UAE में नंबर 3 इंडिया में नंबर 1 एंड सो इट्स अ बोलते बोलते भी थक गए हैं बट वो फीलिंग अभी भी वैसी है कि यार इट्स अ वेरी ग्रेटफुल फीलिंग वी आर ब्लेस्ड टू हैव द शो ब्लेस्ड टू हैव द मेकर्स जिन्होंने हमें कास्ट करा जो हमारी प्रोड्यूसर मैम अंदर बैठी हैं उन्होंने हमें इन्होंने शो प्रोड्यूस करा है ये बल्ली सर ने हमें डायरेक्ट करा है एंड अभी के लिए वी आर फिलहाल लाडी एंड मोंटी मतलब वी हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन आवर रियल नेम्स फैमिली का ऐसा जी मेरे पेरेंट्स तो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं वो तो कम ही देखते हैं ये सब चीज़ें और फैमिली में बैठ के देखी भी नहीं होगी उन्होंने बट मेरा ब्रदर है छोटा तो वो उसने देखी और जो फ्रेंड्स थे और घर पे मेरी वाइफ हैं तो शी इज़ एन एक्ट्रेस तो वो मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है हमेशा के लिए तो ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ तो शी सेड के भाई ये तूने लेवल वाली चीज़ की है तो फाइनली जिस चीज़ के लिए तू लगा होता इतने सालों से दिस इज़ दैट स्टेप तो अभी थोड़ा हम्बल ही रहना लाइफ में अगर इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है उसको दिमाग में मत चढ़ने देना और आगे के काम के लिए भी फोकस करना शुरू करो और ऐसे यू नो बाकी घर आओ तो मैं संभाल ही लूँगी नो फॉर मी ऑल्सो मेरे लिए एक्चुअली इमोशनल है बिकॉज माई डैड वॉज गोइंग थ्रू ही वॉज एक्चुअली फाइटिंग ब्रेन ट्यूमर तो उनकी विजन जा रही थी तो मुझे डर ये था कि यार मेरा पहला काम आ रहा है और डैड अगर उनको नहीं देख पाएंगे तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगेगा मैं काम ही इसलिए करता हूँ ताकि यू नो माई पेरेंट्स कैन फील प्राउड तो थैंकफुली बाबे का शुक्र है कि जस्ट रिलीज से पहले डैड की सर्जरी हुई और वो सक्सेसफुल गई और नाउ हिज विजन इज़ कमिंग बैक तो अब जो वो मेरा एक मोमेंट था ना कि मैंने टीवी ऑन करा नेटफ्लिक्स
तो अभी उनको ज़्यादा नहीं दिखता, तो पास बैठ के ना ऐसे करके वो देख रहे हैं कि हाँ ये मेरा बेटा है, ये लाडी है। सो वो फीलिंग, वो इसको, इससे फैंस का प्यार सराखों पे फॉर श्योर, बट ये जो मोमेंट है ना, ये मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगा कि दे कुड सी माई वर्क एंड आई रियली आई फील दैट यू नो गॉड शुड ब्लेस हिम विद अ लॉन्गर एज, कि वो मेरे सारे काम देख सके। ये हम लोग हर एक्टर का होता है, हर एक बेटे का होता है कि अपने पेरेंट्स को, तो मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा एक मोमेंट है। जी जी जी। सो टेल अस समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर, और कितनी मेहनत लगी कैरेक्टर को प्ले करने। मेहनत मेरे को लगता है यार इस कैरेक्टर में थोड़ी हेल्प ये मिली बिकॉज उसी सराउंडिंग में पले बढ़े, वो सारी चीज़ें अपने सामने होते हुए देखी हैं, कुछ फ्रेंड्स को दुनिया से जाते हुए भी देखा है ओवरडोज की वजह से, टीनेज बचपन से टीनेज से काफ़ी लोगों को ना, तो वो तो एक चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में हमेशा के लिए बैठ जाती हैं यू नो। तो वो हमेशा सोचते थे कि इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जो एक रियल पेन है तो वो भी पोर्ट्रे करनी चाहिए स्क्रीन पर किसी ना किसी को, तो वो फाइनली एक अच्छा सब्जेक्ट आया जो उसको ऑथेंटिसिटी के साथ वो सब इश्यूज़ को टच कर पाए। और बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि यार मेरा ब्रदर ड्रग ओवरडोज की वजह से मरा, तो आई कैन रिलेट टू दैट यू नो। और बाकी सबसे जो ब्यूटीफुल बात है, जितने भी किरदार हैं इसमें, वो चाहे मोंटी हो, चाहे लाडी हो, वो चाहे भाजी का किरदार हो रणदीप भाजी का, चाहे अदर एक्टर्स ऑल्सो, वो सब आप किस हर इंसान सीरीज़ में से किन्नी ना किन्नी करेक्टर्स के साथ उस लेवल पे जुड़ेगा, उसको याद आएगा कि यार ये तो मेरी कॉलोनी में ऐसा लड़का रहता था, या ये लड़की तो मेरे कॉलेज में थी ऐसी, या मेरा छोटा भाई ऐसा है। तो इट्स सो रियल, इसमें कहीं भी आपको देख कैसा लगेगा कि भाई एक्टिंग वाला फंडा कोई एक्टर ज़्यादा कर रहा है, तो वो क्रिएटर्स की बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है ना, डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की, नेटफ्लिक्स टीम की। सो वी आर ब्लेस्ड, और टचवुड सारे एक्टर्स बहुत पॉजिटिव माहौल के थे और एक दूसरे को सबने बहुत सपोर्ट किया, तो विच इज़ अ वेरी गुड फीलिंग। या ट्रू, सेम मेरे लिए भी यार। एक्चुअली आधी चीज़ तो राइटिंग ने आसान कर दी थी कि लिखा इतना ब्यूटीफुली है, और एज एन एक्टर जब उसको पढ़ते हो तो आपको लगता है कि अच्छा। फिर जो ऊपर का काम था उसके ऊपर आप लोगों से मिल चुके, जैसे पाजी ने बोला कि मोंटी सिंह जैसे कैरेक्टर्स हैं चंडीगढ़, पंजाब, लुधियाना में, और कहीं ना कहीं आप मिले हो, आपके जहन में रहता है, तो कहीं से वहाँ वो चीज़ें। वैसे मैं इंडिविजुअली एज मनीष में बहुत काम हूँ और पेशेंट आदमी हूँ, बट मोंटी सिंह बहुत इम्पल्सिव था, तो हाँ वो एक चार्ज्ड अप होना पड़ता था शूट से पहले। बट जैसे ही हमने फर्स्ट या सेकंड डे जब शुरू किया ना, फिर एक माहौल बन गया, एक लय आ गई, एक सुर होता है ना जब आप बैठ करते हो, तो हम सबके जो सुर लय ताल थे को एक्टर्स के, हमारा सुर डायरेक्टर के साथ, डीओपी के साथ, टेक्नीशियंस के साथ, वो तालमेल जो था ना वो इतना ब्यूटीफुल बैठा कि ऑटोमेटिकली फिर देन वी वर आई वॉज मोंटी फॉर एंटायर स्केट, फिर मैंने ब्रेक नहीं करा। आप ये सोचिए कि एक इंसान अपने जीवन में लाखों बार आई लव यू बोलता होगा, बोलता होगा ना, वो आज से लाखों साल बाद ही बोलेगा, किसी भी लैंग्वेज में बोले लेकिन फील वही रहता है। सो बेसिकली वही होता है, आप इमोशन को कितनी ऑनेस्टी के साथ रिप्रेजेंट करते हो, तो वो क्रिएटर्स ने कोशिश भी की और उसमें सक्सेसफुल भी रहे हैं, लोग उस रियल फील से जुड़ पाए हैं बिकॉज ऑनेस्टी के साथ वो बगैर किसी जजमेंट के स्टोरी बताई गई है। ये सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, आपने बोला यूएसपी। एक तो इससे पहले बॉलीवुड में पंजाब को और पंजाबी को और पंजाबीत को इतनी ऑनेस्टी के साथ इतना रियल नहीं दिखाया गया है, उसके लिए बहुत जिगरा चाहिए कि भाई पब्लिक क्या सोचेगी, यू नो कल को कुछ कॉन्ट्रोवर्सी का रिएक्शन हो सकता है, वो सब थाट्स परे रख के आप अपनी ईमानदारी से जो कहना चाहते थे एज ए क्रिएटर, वो पूरी टीम ने कहा, यू नो शो के क्रिएटर्स ने, एक्टर्स के थ्रू, राइटर्स के थ्रू, सारी टीम ने मिल के, तो आई थिंक वो दैट्स द बेस्ट पार्ट। नहीं मेरे को लगता है इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, इतने साल आपने अगर लाइफ जी है, ये सारे किरदार आपने लाइफ में देखे हुए हैं, और अगर आप क्रिएटिव पर्सन हो, चाहे आप पेंटर हो, आर्टिस्ट हो, राइटर हो, व्हाटएवर, तो चीज़ें सबकॉन्शियसली आपके रह जाती हैं, तो जब आप कोई भी चीज़ ट्रिगर करने की कोशिश करते हो आपको कोई ना कोई मूवमेंट याद आता है, यार ओके अच्छा हमको ये प्ले करना है,
वो मैंने वो एक फाइट देखी थी मोहल्ले में, वहाँ एक लड़का ऐसा उतने इतना वाइल्ड तरीके से मारा था, सब डर गए थे ना। वो जब सीन आप मेमोराइज करते बिकॉज वो इधर स्टोर है आपके मेमोरी में, तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस से मेरे को लगता है रिलेट कर पाते हो प्रॉपरली, तो देन इट्स वेरी इजी फॉर एन एक्टर, यू नो। अगर आप ऑब्जर्वेशन अच्छी है आपकी तो देन या या। एंड आई थिंक कोई भी फिल्म का रेफरेंस ले ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये जो क्रिएट किया है ना पहली बार एक्चुअली क्रिएट हुआ है पंजाब ऐसा दिखा है, और कैरेक्टर्स चाहे हो सकते हैं कि एकता दुत्ता मिलते हों, बट ऐसा वर्ल्ड नहीं। तो हमेशा पंजाब को देखा है कि शादियां, जैसे मुझे बहुत लोगों के कनाडा से फ़ोन आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि यार पहली बार हमने पंजाब की जो एक रॉनेस है हमने वो देखी, नहीं तो सरसों के खेत DDLJ में अपना बाहों फैलाना और वही शादियाँ, अभी हम इससे ऊपर ही नहीं उठ पा रहे थे। तो ये एक डिफरेंट साइड है पंजाब की जो देखनी बहुत ज़रूरी थी, एंड पीपल आर एक्चुअली अप्रिशिएटिंग दैट फर्स्ट, कि जो आपने वर्ल्ड आप हमें लेके जा रहे हो ना, वो यार हम तो न्यूज़पेपर में 90s के सिर्फ देखते थे, इंसर्जेंसी में ये होता है, 2006 में जब ड्रग्स का पूरा माहौल था पंजाब में, तो ये बोल्ड एक बहुत ही बोल्ड मैटर था जिसको बहुत ही बोल्डली और कॉन्फिडेंस के साथ हमारे मेकर्स ने बनाया, और हमने अपना अपना काम उसमें करा। एंड आई हैव डन दैट, बट आई विल टेल यू, मैं शाहरुख का फैन, सरसों के खेत वाला शाहरुख का फैन बाद में बना, उससे पहले मैं उसका फैन डर, बाजीगर, अंजाम, वो था, वो थे रियल शाहरुख जिन्होंने हिला दिया था जब वो आई इंडस्ट्री में, कि किसी इंसान का उस दौर में जब उस टाइम पे सनी दत्त सनी देओल पाजी, अक्षय कुमार एंड सुनील शेट्टी, इनका टाइम चल रहा था, और गुड लुकिंग लोग, मतलब ये माचो वगैरह, उसमें एक ये बंदा आता है जो हिला देता है, एक डिफरेंट अपना जॉनर क्रिएट करता है। सो मैं उस चीज़ से आई वॉज वॉचिंग दैट, फिर आए ऑफकोर्स DDLJ वाला जोन, और मैंने खुद भी करा है पंजाब में जाके, मैं पंजाब में रहता हूँ, लुधियाना में भी घर है हमारा, तो आई हैव डन विद माई मॉम, आई टुक हर फॉर हर बर्थडे एक दिन, तो मैं कहा मम्मी आओ आप, सिमरन, मैं राज, पापा फोटो खींच रहे थे। तो आई हैव लिव्ड माई मोमेंट्स, आई हैव एक्चुअली ऑन माई संडे नो हैड दिस रिचुअल, कि जब भी मैं लो फील करता था बॉम्बे में, आई यूज टू गो टू मन्नत रात को, और अभी जानते नहीं हैं, कभी बात नहीं, कभी नहीं मिला हूँ मैं शाहरुख से, उन्होंने बस मेरा एक परफॉर्मेंस देखा है दुबई में, मैं एक शो कर रहा था, बट कुडंट इंटरेक्ट इन पर्सन। सो मुझे ऐसा लगता है उनके साथ कुछ कनेक्शन है, एक रूहानी एक है, तो मैं वहाँ जाके ना बैठ जाता हूँ आधा घंटा, आपस में बात कर ली, एक थोड़ा सा जोश मिल गया, फिर अपनी जर्नी पे। तो कभी मौका मिलेगा तो उनसे बताएंगे कि हाँ यार ऐसे करते थे हम लोग ना हो। एक बेस तो बना ही हुआ था, बिकॉज पंजाबी उस सरदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जट बंदा हूँ, तो शुरू से पंजाबी बोली बचपन से लेके आज भी प्राउडली बोलता हूँ, तो वो नहीं था। एक जो सबसे अच्छी चीज़ थी, बिकॉज इसमें सारे किरदार 90% से ज़्यादा पंजाबी बोल रहे हैं, करेक्ट, और सबका कहीं ना कहीं रिलेशन है अपनी रूट से पंजाब से, लेकिन ब्यूटी ये है कि आपको होता ना कि जैसे हिंदी भी अलग अलग तरह की, आप जाओगे यूपी में जाओगे तो अवधी अलग बोली जाएगी, उस साइड जाओगे अलग बोली जाएगी, कानपुर अलग बोली जाएगी, ऐसा पंजाब में भी है, माझा साइड में अलग बोलते हैं, मालवा में अलग, मैं मालवा से बिलोंग करता हूँ, तो आप जब सब करेक्टर्स को पंजाबी बोलते हुए देखोगे तो यू फील लाइक यार अच्छा ये भी पंजाब है, सब पंजाबी हैं, लेकिन सब का एक अलग अपना टोन, अलग अपना सिस्टम बना हुआ है, तो आप बिकॉज वो ऑलरेडी इतना रियल लग रहा था, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा अगर आप डालते फिर आप सब सिमिलर हो जाते। अगर ये कोशिश करता मेरे जैसे बोलने की, या मैं कोशिश करता किसी और की तरह और देसी बोलने की, सब सेम लगते, तो मज़ा नहीं आता, वो ऐसा लगता सब एक्टिंग कर रहे हैं। तो भाई ये था कि तुमको जितनी आती है, तुमको जितना बोले, यू आर फ्री, तुमको हिंदी बोलनी है, दो लफ्ज़ पंजाबी के डालने या पूरी लाइन पंजाबी में बोलनी है, यू आर फ्री, वो नेचुरल लगना चाहिए, वो वैसे तो रियल लगना चाहिए टोनैलिटी। या जो आपने कैरेक्टर प्ले किया है उसमें दोनों ने अलग अलग, यस यस, बिकॉज हिज डेमो अगर आप दिखा सकते अपने कोई डायलॉग के लिए। यार मैं जैसे हमारे बीच में एक सीन था, तो मोंटी का एटीट्यूड क्या है, मोंटी इज पंजाब द किंग, और वो हायरार्की में सबसे ऊपर है, सब इसके अंडर काम करते हैं, और वो उसका एटीट्यूड भी वही है, वो तो अपने बाप को कुछ नहीं समझता, मतलब वैसा वाला जोन है। तो हमारा सीन था, ये आते हैं तो ये थोड़ा जॉली नेचर का बंदा है, आके बात करता कि हो गया मोंटी, ही विल टेल,
मेरा क्या है कि अपने टोनालिटी में ऐसे बैठा हूँ, रणदीप को तरफ देख रहा हूँ, आगोड़ा पेंडू, एक एरोगेंस है मेरे उसमें, मैं हंस से इनसे बात करूँगा उसमें भी एक एरोगेंस, तो वो एरोगेंस के साथ है। इनका जो है ना वो एक नेचर अलग है, ये एक दिल से एक बंदा है, कैसा है, हार्डकोर दिख रहा है अंदर से वो, मतलब पूरी उनकी प्रोफाइल और जो एक ऑरा है वो ऐसा बिल्ट है ऐसा, बट जब बात करोगे आप सीन देखो, आप जी किमें बोले सेगा तुसी जब तुसी आंदे हो के नहीं, वो एक बेसिक सीन था, उससे पहले ये शूट करता है एक इंसान को, बहुत मतलब उनकी बॉल्स पे शूट करता है, तो उससे पहले बोलते हैं भाई ये बंदा कौन है, तो मैंने बोला अपने ही बंदा है, बोले नहीं यार ऐसे किसी पे भरोसा नहीं करते, तो मैंने बोला अगर टेंशन देगा तो इसकी बॉलें दबा देना, तो यू नो तो अगर ये बोलेगा तो ये बॉल्स बोलेगा, मैं बोला बॉलें दबा देना, यू नो, तो वो एक स्लैंग अलग रहता है, तो ये बिकॉज मोंटी थोड़ा पॉलिश करेक्टर है, वो एक अच्छी बड़ी फैमिली से आता है, ये एक देसी फैमिली से है, तो वो ऐसा और यही डिफरेंस है एक्चुअली, क्या होता है जो पेंडू 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 पंजाबी होती है ना, वो जितना मर्जी बड़ा गैंगस्टर हो या कोई अच्छा उसमें स्टेटस में हो, वो हमेशा ऐसे बात करें हाँ जी भाजी किदा, उनकी टोनालिटी होती है जट्टों की, और जो दिल्ली वाले पंजाबी होते हैं ना, जैसे हम हैं जो एरोगेंस वाले हैं, हम फ़ोन करते हैं अपने किसी यार दोस्त को हाँ जी किदा, तो ये काम आया मेरे लिए, मैंने मोंटी में ये यूज़ किया, उन्होंने अपनी रूट्स यूज़ करी, तो वो आपको डिफरेंस दिखता है। किसी फिल्म का डालो वो मैंने तो बताया डालो कि उसकी ये सबसे इससे बेस्ट क्या हो सकता है, आदमी की बॉल से उड़ा दी आपने, हाँ ये बोलते हैं कि ऐसे भी बॉला दब दी, क्रिकेट चलता अपनी कंट्री में तो बॉल बैट का जिक्र तो होना चाहिए कहीं भी, करेक्ट। हम दोनों की साइड से एक तो खुशखबरी ये है हम दोनों के लिए भी, और we're expecting a new project. तो बेसिकली हम एक अलग एक नया प्रोजेक्ट करने वाले हैं, इट्स अ वेब सीरीज ओनली, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ गैंग्स ऑफ एनसीआर टाइटल है, तो उस पर काम चल रहा है, तो इट्स अ रियल गैंगस्टर्स के ऊपर है, तो वी आर प्लेइंग दैट, तो उस पर अभी काम चल रहा है, मेहनत जा रही है करेक्टर्स के ऊपर और बाकी सब रिसर्च के ऊपर, और उसके अलावा कुछ एक दो पंजाबी फिल्म आने वाली हैं, और वो सब तो अभी चीज़ें तो अभी तो खैर जो सब पहले की थी, अभी तो ऐसा हो रहा है कि डेली कुछ ना कुछ आ रहा है, हाँ, लेकिन अभी वैसा कि भाई अभी थोड़ा सोच के समझ के, यू नो, अभी सिर्फ कैट चल रहा है और कैट का हैंगओवर चलेगा एंड ऑफ द ईयर तक, अभी इसको प्यार बटोर लें, उसके बाद जब हवा से नीचे आ जाएंगे क्लाउड 9 से, फिर तमीज से बैठ के सोचेंगे कि अब क्या करना है नेक्स्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू बॉलीवुड, होम बॉलीवुड, थैंक यू पंजाब द किंग मोंटी सिंह, सारे दर्शकों नू बॉलीवुड दे बोलदा हैप्पी न्यू ईयर, तो कैट वेखो, नहीं वेखोगे तो बॉला दब दांगे आपां। बाकी होम बॉलीवुड दे सारे देखने वाले नू लाडी वालों बहुत सारा प्यार, लाडी नू इदां प्यार करदे रहो, लव यू, वॉच कैट, थैंक यू।